नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हमने बीते कुछ दिन पहले देखा कि किस प्रकार से उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। नूपुर शर्मा को समर्थन करते हुए उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डाला था और ऐसा ही कुछ मामला हमें देखने को मिला है अब महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अमरावती की ये बात है और वहाँ पे एक दवाई की दुकान चलाने वाले उमेश कोल्हे, उन्होंने भी नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट डाला था और वो पोस्ट डालने के बाद उनके दोस्तों से लगातार उनको धमकियाँ मिलने लगी जो दूसरे समाज से बिलोंग करते हैं, दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं। और उसके कुछ ऑडियो कॉल भी अभी जो है वायरल हो रहे हैं कि आपने जो ये नूपुर शर्मा को समर्थन किया है, आपने हमारे अगेंस्ट में जो है ये सब चीज़ें की हैं, तो आप इसका वीडियो बना करके जो है माफ़ी मांगिए पूरे समाज से। और वो माफ़ी मांगने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया उन पर। और इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि जो उनको धमकी आ रही थी वो उन्हीं के जो दोस्त हैं, डॉक्टर हैं खुद, और मुख्य जो आरोपी हैं, 6 आरोपी हैं इस किलिंग के, उसमें भी शामिल हैं। और सूत्रों के हवाले से ऐसा सुनने को भी आया है कि जो उनका दोस्त इस मर्डर में शामिल है, अमरावती के इस किलिंग में शामिल है, जब उस दोस्त की बहन की शादी थी तो उसमें भी जो है उमेश कोल्हे ने उनकी आर्थिक रूप से मदद की थी। लेकिन अब आप देखिए कि नूपुर शर्मा के उस पोस्ट पे इतना बवाल मचाया जा रहा है कि सीधे हत्या कर दी जा रही है लोगों की। अगर आप किसी चीज़ से ताल्लुकात नहीं रखते तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को मौत के घाट उतार देंगे। और 21 जून को जब ये वारदात हुई तो उनके जो बेटे हैं संकेत, उन्होंने बताया कि वो अपने पिता से मात्र 15 मीटर की दूरी पर खड़े थे और जैसे ही वो लोग आए उन्होंने उनको मारा। और वो जो आरोपी थे वो उनका गला काटना चाहते थे, जिस तरह की अभी बातें चल रही हैं इसी मंशा से वो सभी आरोपी आए थे। और संकेत ने बताया कि वो दौड़ करके अपने पिता के पास गए और अगर वो दौड़ करके नहीं जाते, वहाँ पर नहीं चिल्लाते, तो वो शायद उनका गला भी काट देते। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो चोट के निशान थे उनके वो गर्दन पर ही थे। तो उस समय उद्धव सरकार जो है वो थी, उद्धव ठाकरे उस समय सीएम थे, और उस समय महाराष्ट्र पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कब तक हमें इस तरह की किलिंग्स देखने को मिलेंगी? एक तरफ आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और दूसरी तरफ अगर कोई उनके समर्थन में ऐसा पोस्ट डालता है तो आप सीधे जाकर के उनको मार देंगे, खत्म कर देंगे, वो भी अपने एक दोस्त को। ये कहां तक जायज है? और सरकार से भी यही लोगों की अपील रहेगी कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि पहले हमने उदयपुर में ऐसी घटना देखी, वहाँ पर भी कन्हैया लाल के साथ यही हुआ कि एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद आकर के दुकान में उनका गला काट दिया गया। और अब महाराष्ट्र के अमरावती में भी, हालांकि 21 जून की ये घटना है और उसके बाद उनके बेटे ने जो शिकायत दर्ज करवाई थी संकेत ने, उसके बिना पर 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। और इसमें एक एनजीओ का भी नाम सामने आ रहा है कि उस एनजीओ के जो संचालक हैं उसने, मुख्य आरोपी इसमें उस एनजीओ के संचालक हैं। और बाकी भी लोगों से जब पूछताछ चल रही है और उसमें सुरक्षा एजेंसियों ने ये बताया है कि उस एनजीओ के चालक ने ही उनको कहा था कि जाकर के जो है इनकी हत्या करने के लिए। और इनका जो स्क्रीनशॉट थे वो ऐसा सुनने में आया कि अलग अलग ग्रुप्स में वायरल किए गए थे और प्रेशर बनाया जा रहा था माफ़ी मांगने के लिए। और 19 तारीख को पहले उन्होंने प्रयास किया
हत्या करने का, लेकिन नहीं कर पाए। 20 तारीख को गए और 20 को दुकान हालांकि पहले ही बंद करके आ चुके थे कोल्हे, बट 21 तारीख को उन्होंने पूरी तरह से रेकी करके जो है उनको मौत के घाट उतारा। उस समय कहां सो रही थी उद्धव सरकार? और अभी ये केस जो है वो NIA को सौंपा गया है, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसमें क्या और फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, क्योंकि हमने देखा उदयपुर वाले केस में भी जो आरोपी थे उनका कनेक्शन पाकिस्तान से निकला, कि किस तरह वो राजस्थान से निकल करके पाकिस्तान गए थे 2014 में और वहां जाकर के ट्रेनिंग ली थी उन्होंने, और इसका खुलासा जो है उनको गिरफ्तार करने के बाद आया था। और ये जो अमरावती वाला जो किलिंग केस है, मर्डर केस है, इसमें भी अभी आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हमें ऐसी फाइंडिंग ज़रूर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें ये सुनने को मिला है कि जो वो NGO है उस NGO में भी जो फंडिंग आती है उसका कहीं ना कहीं से कोई पाकिस्तान से तार जुड़े हो सकते हैं। तो ये तो आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा जिस तरह से जांच एजेंसियाँ जो हैं वो अपना काम करेंगी और क्या फाइंडिंग्स निकल करके आती हैं इस केस में। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि कब तक हमें ऐसे केस देखने को मिलेंगे जहां पर आप मात्र सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल रहे हैं, अब वो विवादित है, किसी को उससे ठेस पहुंच रही है, वो एक अलग मैटर है। अब उसका ये मतलब नहीं है कि आप जाकर के जो है किसी का सर कर देंगे। अब देखना होगा इसमें सरकार जो है कितने कड़े रुख अपनाती है, क्योंकि जो भी इन केस दोनों केस के जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा जरूर होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लोग इस प्रकार की मंशा रखते हैं, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, वो इस कदम के बारे में उठाना तो दूर, सोचने से पहले भी 10 बार कतराएंगे। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब सरकार इस पर कुछ कड़ा रुख अपनाएगी, कड़े फैसले लेगी, और उसके बाद जो पुलिस है वो जो है सुरक्षा मुहैया करवाए लोगों को। और क्योंकि NIA के पास अभी ये केस हैं, तो देखना होगा कि जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो किस प्रकार से इस केस को आगे बढ़ाती है और आने वाले दिनों में हमें और क्या कुछ नया इसमें देखने को मिलता है। और एक बात तो ज़रूर है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा तो ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो एक आरोपी हो चाहे वो 6 आरोपी हो, क्योंकि जब तक इन दहशतगर्दों के मन में वो डर नहीं बैठेगा तब तक ये लोग ऐसे कदम उठाने से पहले कतराएंगे नहीं। अब आने वाले दिनों में इस केस में और क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं वो हम ज़रूर आपसे जो है रूबरू होंगे, उसको लेकर के ज़रूर आपको अपडेट करेंगे उस बारे में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जहाँ कहीं भी आपको ऐसे कुछ असामाजिक तत्व आपको ऐसे दिखते हैं, कहीं पर भी आपको इस प्रकार की कोई मंशा लगती है कि कुछ इस प्रकार के लोग हैं सोसाइटी में, तुरंत जाकर के अपने नज़दीकी पुलिस थाने में आप जाकर के रिपोर्ट करवा सकते हैं। आप जाकर के पुलिस को बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव केस लग रहा है इस मामले में, और पुलिस की आप उसमें ज़रूर मदद लीजिए, क्योंकि इन दो केसेस के बाद कहीं ना कहीं पुलिस महकमा जो है वो भी अब थोड़ा सा सख्त हुआ होगा, वो भी थोड़ा सा होश में आया होगा, और इस प्रकार के समाज से जो ऐसे दहशतगर्द जो लोग हैं इनको कहीं ना कहीं इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको फिर से इसकी नई फाइंडिंग्स लेकर के आपके साथ रूबरू होंगे, और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका दोस्त अर्जुन खजूरिया।